आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। ये फटाफट जानते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी सुर्खियों को। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने लिया प्रभार, कहा नए पद पर नई चुनौतियों से निपटेंगे। वर्तमान एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने कहा है कि बिष्टुपुर डकैती को सॉल्व नहीं कर पाने का अफसोस रहेगा। नए एसएसपी प्रभात कुमार का ह्यूमन वेलफेयर ने किया स्वागत, पूर्व एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन को गुलदस्ता देकर विदाई दी। आज मंडप पैरेज हॉल में हो रहे शादी पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात में मौजूद बारातियों की जरिया बारात लगने से पहले पटाखा छोड़ा गया। वहां मौजूद निकाह पढ़ाने आए मदीना मस्जिद के नायब इमाम मौलाना खुर्शीद ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। तभी समाज बचाव कमेटी के सदस्य वहां पहुंच गए और इमाम के फैसले का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े हो गए। जब बारातियों के जरिए अपनी गलती को माना गया और ये बोला गया कि बारातियों में मौजूद बच्चों ने ये कारनामा गलती से कर दिया है, तब तकरीबन आधे से पौन घंटे के बाद इमाम ने फिर आखिरकार निकाह पढ़ाया। जमशेदपुर के सारात बाजार के दुकानों को किराया तय करने के लिए डीसी ने 22 सदस्य कमेटी का गठन किया है। 19 जुलाई तक मांगा है रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा और 5 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल के आदेश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और सामान्य विभाग ने इस अधिसूचना की जानकारी दी है। कोरोना वायरस अब तक खत्म नहीं हुआ है और टोमेटो फ्लू और मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। पहले टोमेटो फ्लू की पुष्टि हुई थी लेकिन मंकी पॉक्स ने भारत में दस्तक नहीं दी थी, परंतु अब भारत में मंकी पॉक्स की भी पहली पुष्टि हो गई है। जिसकी पुष्टि की गई है वो 3 दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात से केरल के कुआलालंपुर पहुंचा है। देश भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखकर केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने झारखंड सहित अन्य राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में गाइडलाइन जारी किया है। पूरे देश के साथ जमशेदपुर में भी रविवार से मुफ्त बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसकी जानकारी जमशेदपुर के केस वेरियंस पदाधिकारी डॉक्टर साहिल पॉल ने दी। डॉक्टर पॉल ने बताया है कि इसको लेकर आदेश आ चुका है। रविवार को इसकी विधिवत शुरुआत जमशेदपुर के किन स्टेडियम में कर दी जाएगी। 75 दिनों तक मिलेगा बूस्टर डोज। दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया। एवरीडे मार्ट एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर जहां आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ होम नीड्स। जी हां, अब आपके इलाके जवाहरनगर रोड नंबर 13 में खुल चुका है एवरीडे मार्ट, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वह भी बिल्कुल किफायती दरों में। ई मार्ट से खरीदारी करने पर आपको मिलेगा 25% तक की छूट और साथ ही साथ ई मार्ट लाया है होम डिलीवरी की फैसिलिटी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। अब राशन स्टोर जाकर घर के राशन लाने का झंझट भी हुआ खत्म। फोन उठाए और कॉल करें ई मार्ट में